टोंक में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने पीपलू थाने में एक ट्रैप कर कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां एसीबी ने बजरी परिवहन की मासिक बंदी लेते एक कांस्टेबल को रंगे हाथों दबोचा। जानकारी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान पीपलू थानाधिकारी मौके से फरार हो निकला। खबर है कि पीपलू थानाधिकारी ने बजरी से भरे एक ट्रक को पास करवाने की एवज में 6,000 रुपए की रिश्वत ली थी। वहीं एसीबी ने कांस्टेबल कैलाश को रंगे हाथों धर दबोचा और वहीं थानाधिकारी विजेंद्र सिंह मौका पाकर फरार हो निकला। बता दें कि एसीबी ने कार्रवाई के दौरान कांस्टेबल की जेब से 1,40,500 रुपए की राशि भी बरामद की है। बजरी से भरे ट्रैक्टर को आपको बता दें पास करवाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी और इसी पूरे मामले में एसीबी की टीम ने रंगे हाथों कांस्टेबल को गिरफ्तार किया, लेकिन पीपलू का थानाधिकारी मौके से फरार होने में कामयाब हो पाया। टोंक में एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मासिक किस्त वसूलते हुए एक कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बजरी परिवहन की मासिक बंदी ले रहा था कांस्टेबल। और इसी खबर पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए वन संवाददाता घनश्याम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। घनश्याम, एसीबी की टीम की एक और बड़ी कार्रवाई और मासिक बंदी लेते हुए कांस्टेबल को रंगे हाथों धर दबोचा, क्या मुखबिर से सूचना बरामद हुई थी और क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से पीपलू का थानाधिकारी मौके से फरार हो निकला, अब क्या कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, बिल्कुल ज्योति, बताना चाहूंगा। दरअसल पीपलू थाना क्षेत्र का एक राजेंद्र गुर्जर है जो बजरी के कारोबार के लिए कल दोपहर ही थानेदार से थाने पे जाके मिला और उसके बाद पूरा सौदा तय हुआ कैलाश जाट के जरिए। उसने दो नए ट्रोले खरीदे और उन ट्रोलों का तय हुआ कि 3,000 से 5,000 रुपए की बजरी की निकासी के लिए वो लोग उसको जो प्रतिदिन की बंदी है, पर डे बंदी एक ट्रक एक ट्रोला जो है उसकी निकालने के लिए देंगे। और जब इसकी सूचना जब उसने परिवादी ने एसीबी को दी और एसीबी ने अपना पूरा जाल बिछाया, एसीबी को भी इतना आभास नहीं था कि कांस्टेबल के पास इतनी भारी तादाद में राशि बरामद होगी। लेकिन जब देर रात को 12 बजे बात की है, पूरी कार्रवाई है, दरअसल सुबह करीबन 2 बजे के आसपास का ये कार्रवाई है जिसमें जो एसीबी की टीम है, जो एसीपी है एसीबी के विजय सिंह, उनके नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान जो कांस्टेबल है कैलाश जाट, वो उसके पास से करीबन 1,46,500 रुपए बरामद हुए। साथ ही वो जो ट्रोलों का जो परिवादी था उसके द्वारा दी गई 6,000 रुपए की राशि, वो भी कांस्टेबल के पास से बरामद हुई। जब कांस्टेबल से पूछताछ की गई, कांस्टेबल की कॉल डिटेल खंगाली गई और जब कॉल रिकॉर्ड उसके पास मिली, उसके बाद ये साफ हुआ कि थानेदार जो वीरेंद्र गिल है, जो पीपलू थाने पर तैनात है, वो इसके अंदर पूरी तरह से लिप्त है। जब कांस्टेबल को एसीबी टीम लेकर थाने तक पहुंची, उससे पहले ही थानाधिकारी को ये पूरी भनक लग गई और थानाधिकारी अपनी निजी कार लेकर वहां से मौके से फरार हो गया। फिलहाल पिछले 6-7 घंटों से थानाधिकारी फरार है। एसीबी की टीम ने एसपी चुनाराम जाट को और आईजी उनको सूचना दे दी है और पुलिस मुख्यालय जयपुर भी इसकी लिखित सूचना भिजवा दी गई है। और जो फरार जो थानाधिकारी है उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम है जगह जगह भेजी गई है। एक टीम मूलतः जो थानाधिकारी है वो झुंझुनू के जिला का निवासी है, तो वहां पर भी टीम भेजी गई है। अजमेर भी उसका मुख्य आवास है, वहां पर भी टीम को भेजा गया है। जी घनश्याम, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से बता दूं कि एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 1.5 लाख की राशि बरामद की है कांस्टेबल के पास और रंगे हाथों मासिक किस्त वसूलते हुए ट्रक को निकलवाने की एवज में रंगे हाथों धर दबोचा।